हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस चैनल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पहले रिक्वेस्ट अगर आप डिबिट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है उसे क्लिक करिए और अब स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो तो हम लोग बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के साथ सुबह सुबह मैं शेयर करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा इसके कल के पूरे ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में कितना परसेंट डिलीवरी उठाया गया क्या लो क्या हाई रहा या ये आइए देखते हैं देखिए कल सेवेंटी जून को ये ओपन हुआ था नाइन के ऊपर और वहाँ से 9.40 का लो और 9.80 का हाई पूरे इंट्राडे में बनाता है 9.45 के ऊपर फाइनली गिरने के बाद बंद हुआ है देखिए एक अच्छा मोमेंटम दिखा लेकिन वो मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया और लुढ़क करके वहीं बंद हुआ जहाँ से खुला था टोटल अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो एन के ऊपर 17 करोड़ 55 लाख 15,506 शेयर्स ट्रेड हुए जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 39.54 परसेंट बी के ऊपर अगर आप देखें तो 4 करोड़ 93 लाख 86,563 शेयर्स ट्रेड हुए जहां पे डिलीवरी परसेंटेज है 29.93 परसेंट 9.43 की यहां पे क्लोजिंग प्राइस है और देखें तो यहाँ पर टोटल जो आ, इंटराडे uh, हाई uh, है 9.77 का और लो है 9.39 का मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की ट्वेंटी सेवन करोड़ रुपए है देखिए वोडाफोन आइडिया के साथ अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम है इसके फंड को लेकर के है ना कि कोई और दिक्कत एक बहुत ही अच्छी खबर है जो आपको सुनने के बाद रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं कुछ जेनवन चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ आइए देखते हैं देखिए अभी मैं आपसे जो भी कुछ शेयर कर रहा हूँ ये अच्छी बात है ये खबर बहुत अच्छी है धमाकेदार है ये अच्छी बात है लेकिन अभी भी आपसे मैं बोलना चाहूँगा अभी आप देख रहे हैं इस कंपनी में कोई मोमेंटम नहीं हमें दिखाई दे रहा है लास्ट के कई दिनों से ये गिर रही है मतलब एक कंसोलिडेशन फेज़ में है बहुत ज़्यादा इसे गिरावट नहीं बोलेंगे लेकिन गिरावट क्यों है अभी तो कुछ दिन पहले हमें एक मोमेंटम दिख रहा था मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बारह के लेवल को दस के लेवल को क्रॉस कर जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हमें इसके अंदर मोमेंटम बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैसी कंपनी है यार क्या इसके साथ दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इसका जवाब है कि इस कंपनी के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो सबसे टॉप पे है वो ये है कि ये फ़ंड को रेज़ नहीं कर पाती है जून के एंड तक ये बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा बहुत बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो फंड को रेज़ करना बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस कंपनी के लिए और जिसके चलते इसका स्टॉक प्राइस जो है उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है और देखते हैं कि क्या पिटारा खुलता है आने वाले कुछ दिनों में क्योंकि हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जिस दिन वोडा आइडिया फ़ंड को रेस करने के लिए अनाउंसमेंट करेगी और फंड को रेस कर कर चुकी होगी इस बात का अनाउंसमेंट करेगी क्योंकि सितंबर फर्स्ट 2020 से ये अभी तक इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये फंड रेज करना चाहते हैं लेकिन ये इनका जो सपना है ये मटेरियलाइज होता हुआ अभी तक नहीं देखने को मिला जो कि सबसे बड़ा कारण है इसके मोमेंटम को रोकने के लिए आप मेरी बात समझ रहे हैं ना अच्छा चलिए आपको मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ अच्छी खबर ये है यहाँ पे कि मई के महीने का ट्राई ने यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज किया है जिससे हमें पता चला है कि कौन सी कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है राइट तो देखिए रिलायंस जियो अभी भी 4G डाउनलोडिंग स्पीड में सबसे नंबर वन पोजीशन एक्वायर करे बैठा है और इस बार इसको 20.7 पॉइंट एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिली है मई के महीने में हालांकि अप्रैल के महीने में इनका ये डेटा ट्वेंटी पॉइंट वन एम था तो आप देख सकते हो इसके डाउनलोडिंग स्पीड में कुछ स्लाइटली इंक्रीमेंट देखने को मिला है तो आप डाउनलोडिंग स्पीड में एयरटेल वोडा आइडिया एंड जियो इन दोनों तो, तीनों में देखेंगे तो जियो को यहाँ पे नंबर वन पोजीशन मिली है यानी जियो की डाउनलोडिंग स्पीड सबसे ज़्यादा है वहीं हम बात करें वोड़ा आइडिया की तो वोडा आइडिया अपलोडिंग स्पीड में सबसे नंबर वन पोजीशन के एक्वायर करके बैठा हुआ है 6.3 पॉइंट थ्री की स्पीड से वोडा आइडिया के नेटवर्क से कोई भी फाइल वीडियो ऑडियो अपलोड हो सकती है राइट right? तो यहाँ पे नंबर वन पोजीशन वोडा आइडिया की है अपलोडिंग में ना कि डाउनलोडिंग में हालांकि डाउनलोडिंग में भी बताना चाहूँगा वोडा आइडिया की जो स्पीड है वो जियो के बिल्कुल भी करीब है बिल्कुल करीब है एयरटेल काफ़ी दूर है रिलायंस है जियो से तो आप बोल सकते हैं समरी में आपको बताऊँ तो भारतीय एयरटेल तीसरे पोजीशन पे है अपलोडिंग में भी और तीसरे पोजीशन पे है डाउनलोडिंग में भी वोडा आइडिया नंबर वन पोजीशन पे है अपलोडिंग में दूसरे पोजीशन पे है जियो अपलोडिंग में तीसरे पोजीशन पे है एयरटेल डाउनलोडिंग में नंबर वन पे है जियो दूसरे नंबर पे है वोडा आइडिया और तीसरे नंबर पर है भारती एयरटेल तो ये पूरा कन पूरी चीज़ों का कंक्लूजन है जो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बताया अगर आप डेटा वाइज पूछेंगे तो देखिए वोडाफोन आइडिया की जो अपलोडिंग स्पीड है 6.3 पॉइंट है जबकि जियो की एम स्पीड है अपलोडिंग की 4.2 पॉइंट जबकि एयरटेल की देखें तो 3.6 पॉइंट है तो देख सकते हैं अपलोडिंग का ये इनका डेटा है राइट देखिए वोड़ा आइडिया की जो परफॉर्मेंस है ऐसा नहीं है कि हमें मई के महीने में इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली है लास्ट के आप कई महीनों की record, देखेंगे ना तो इसकी सिचुएशन काफ़ी अच्छी रही है अपलोडिंग स्पीड की और इवन डाउनलोडिंग स्पीड की इवन वॉइस क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है ये ट्राई की तरफ से ही रिलीज़ किया हुआ डेटा है राइट right? तो देखिए यहाँ पे वोड़ा आइडिया के अंदर जो कुछ भी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं अभी सब एक ही चीज़ के ऊपर लटका पड़ा हुआ है वो है इसका फंड फंड नहीं आएगा तो इन चीज़ों का हमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नहीं दिखाई देगा आपने देखा होगा सेवनटीन जून यानी कल की मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ जो दिखाई दिया था उसके पीछे का कारण यही हो सकता है राइट अब देखिए आज है एटीनथ जून दस बारह दिन की और बात है दस बारह दिन में देखा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट क्या किस तरीके का रिस्पांस लेके आता है देखिए अभी क्वार्टर फोर के अर्निंग्स भी आनी है वोड़ा आइडिया की उसकी डेट मुझे तो नहीं पता अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा राइट वैसे अभी पता चल ही जाएगी कुछ ही दिनों में और जैसी भी परफॉर्मेंस होगी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगी देखिए अगर क्वार्टर फोर में अगर कंपनी प्रॉफिट लेके आ जाती है तो ये बहुत ही सोने पर सुहागा की तरह काम करेगा राइट और होपफुली करना चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वार्टर से हम देख रहे हैं इसके लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहे हैं जो कि एक तारीफ करने वाली बात है मुझे लगता है कि सब कुछ सही रहेगा इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक मत करिए जो कुछ हो रहा है आप होने दीजिए और जल्दीबाजी ना करिए इसमें एंट्री करने की अभी देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंड फंड को लेकर के क्या अपडेट आती है इसको पहले आप वेट एंड वॉच करिए एंड देन अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिएगा अभी आप जल्दीबाजी में एंट्री मत करिए प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिए वरना फंस जाएंगे और फंस जाएंगे तो फिर आप ही को दिक्कत होगी समझ रहे बात को बाकी आपकी मर्जी है आप जो चाहें कर सकते हैं मेरी बात को सुनिए और समझिए और अपने दिमाग से इम्प्लीमेंट करिए ओके सो दिस इज़ ऑल टेक केयर सी यू नेक्स्ट टाइम